ओके तो आज का टॉपिक है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो क्या राइट्स हैं उसके पास, व्हाट इज द राइट्स ऑफ दोज पर्सन हु हैज अरेस्टेड। ओके बिकॉज कि द लॉ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान और भारत की जो प्रक्रिया कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो ये राइट्स देता है किसी भी अरेस्टेड पर्सन्स को कि ये राइट आपके पास अवेलेबल है जब आप गिरफ्तार होते हो, जब आप अरेस्ट होते हो। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। ओके नो पर्सन शैल बी, द वर्ड शैल इज यूज, शैल मीन्स मैंडेटरी, किसी भी पर्सन के लाइफ और लिबर्टी से उसको आप डिप्राइव ऐसे नहीं करोगे। कैसे डिप्राइव करोगे, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, लॉ के थ्रू ही, चाहे कोई भी हो, नो पर्सन। टू वर्ड्स रिमार्केबल इन दिस आर्टिकल, फर्स्ट द वर्ड पर्सन इज यूज, पर्सन यूज हुआ है, पर्सन मतलब व्हाट, कि दिस राइट अवेलेबल टू ऑल, इवन फॉरनर्स एंड सिटीजन्स, डजेंट मैटर। ओके ये राइट दोनों को अवेलेबल है, चाहे वो फॉरनर हो चाहे सिटीजन हो, बोथ हैव अ राइट अंडर आर्टिकल 21, कि कोई भी, इवन फॉरनर, कोई आता है, कोई बाहर किसी दूसरे देश का नागरिक यहाँ इंडिया में आता है और कोई ऑफेंस करता है, तो उसे भी आप क्या करोगे, प्रोसीजर फॉलो करके देन उसको प्रोसिक्यूट करोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है कसाब केस, अजमर आमिल कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ईच प्रोसीजर फॉलो बाय द स्टेट, सारे प्रोसीजर को फॉलो किया वहां की प्रोसिक्यूशन ने। ओके तो फर्स्ट है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज राइट एंड पर्सन लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, लॉ में जो प्रोवाइड किया गया है प्रोसीजर, उसी के थ्रू आपको क्या करना होगा, किसी की लिबर्टी या लाइफ से आपको डिप्राइव करोगे, किसी को अरेस्ट करोगे, तो कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ, आर्बिट्रली आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड, ओके देन सेकेंड है राइट टू नो अबाउट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करती है, यू हैव अ राइट, आपके पास राइट्स है, क्या राइट्स है, कि आप ये पूछ सकते हो कि व्हाट इज द ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स पे, क्या हमने कौन से अपराध किए, व्हाट टाइप ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय मी यू केम टू अरेस्ट फॉर मी। ओके कौन सा ऑफेंस मैंने किया है, राइट टू नो अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ग्राउंड्स जानने का आपको राइट्स है कि कौन से ग्राउंड्स से आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पे कुछ एग्जांपल है, जैसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 क्लाउज 1 ऑफ सीआरपीसी से, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट शैल कम्युनिकेट टू हिम फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड और अदर ग्राउंड्स फॉर हिज अरेस्ट। जो भी व्यक्ति, पुलिस वाला हो या किसी अन्य व्यक्ति जिसको अरेस्ट हो, वारंट हो अरेस्ट करने का, अगर वो अरेस्ट करने गया है तो पूरा पार्टिकुलर्स, ग्राउंड्स किसको बताएगा, जिसको अरेस्ट करने गया है उस पर्सन को सभी ग्राउंड्स को बताएगा कि किस ग्राउंड्स पे मैं आपको अरेस्ट करने आया हूं। ठीक है, सेकेंड बी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75
the police officer or other person executing warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested. क्या grounds है, क्या substance है, ये आपको arrest करने का क्या grounds है, ये आपको बताएगा. कौन बताएगा? जो police officer है वो बताएगा, और जो भी अन्य आदमी, जो भी जिसको भी उन्होंने warrant दिया है court ने arrest करने के लिए, वो grounds बताएगा सर. Third है Article 22 Clause 1 क्या बोलता है? No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be grounds of such arrest. आपको क्या है? Rights है grounds जानने का. तो grounds जानने का rights, यहाँ पे दो तीन provision है. एक तो है कि Constitution की Article 22 ये व्यवस्था करता है कि आपको rights है अपने grounds जानने का, कि कौन से grounds पे आपने मुझे arrest किया है. Second, Section 50 Clause 1 CRPC and 75 of CRPC, ये दोनों, ये इतने सारे provision है जो आपको follow करने के लिए बोलते हैं. किसको? जो भी person arrest करने गया है. Understood? नेक्स्ट है सेक्शन 56 सीआरपीसी क्या बोलता है? अरेस्टेड पर्सन शुड नॉट बी कन्फाइंड इन एनी प्लेस अदर देन ए पुलिस स्टेशन बिफोर ही इज टेकन टू द मजिस्ट्रेट. जिसको भी अरेस्ट आपने किया है, पुलिस वाले ने जिसको भी अरेस्ट किया है, उसको अरेस्ट करके कहां लेके जाएगा? पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा. और जब तक मजिस्ट्रेट के सामने, जो आगे हम बताएंगे आपको, 24 आवर्स है इनके पास, तो जब तक मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया है एक्यूज को, तब तक उसको कहां रखेगा? पुलिस स्टेशन में, और कहीं नहीं रखेगा. नेक्स्ट राइट ऑफ नॉट बीइंग डिटेन फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट जुडिशियल एस्कूटनी. ये आपको जिसको भी एक्यूज पर्सन को, कोई भी पुलिस या अदर पर्सन उसको अरेस्ट किया है विद द ऑथोरिटी, उसको आर्टिकल 22 क्लाउज 2 ये बोलता है कि अरेस्टेड पर्सन प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. ओके, उसमें जर्नी टाइम एक्सक्लूड करके 24 आवर्स. एंड सिमिलर प्रोविजन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 50 सिमिलर प्रोविजन किस सेक्शन में है? सॉरी, सेक्शन 57 सीआरपीसी. ये दो जगह प्रोविजन है इनके. पहला प्रोविजन कहाँ है? आर्टिकल 22 क्लाउज 2 एंड सेकंड सेक्शन 57 सीआरपीसी, कि आपको जिसको भी अरेस्ट किया है विद इन 24 आवर्स आपको कहाँ लेके जाना है? मजिस्ट्रेट के पास. एंड नेक्स्ट है आर्टिकल 22 क्लाउज 1 फिर से यहां पर क्या बोलता है? राइट टू कंसल्ट ए लीगल प्रैक्टिशनर. राइट टू कंसल्ट ए लीगल प्रैक्टिशनर, किसी भी एडवोकेट से कंसल्ट करने का राइट है, कोई उसे रोक नहीं सकता. ओके, एंड सिमिलर प्रोविजन कहां दिया गया है? आर्टिकल 22 क्लाउज 1 एंड सेक्शन 303 सीआरपीसी एंड इससे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं. नेक्स्ट, राइट टू लीगल एड बाय द स्टेट. तो आर्टिकल 21 में ये इंप्लीसिट है, जो फंडामेंटल राइट है 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज राइट एंड पर्सन लिबर्टी लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ. तो यहां क्या बोलता है कि नो पर्सन, यहां पे अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे तो उसको आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते. तो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए आपको उसको एक, अगर उसको लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि आर्टिकल 21 में, कि अगर किसी भी व्यक्ति जो यहां पे किसी अपराध किया है
अगर वो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कोई वकील वियर कर सके, देन स्टेट उसको अपने खर्चे पर एक एडवोकेट उपलब्ध कराएगा। एंड आर्टिकल 39A लीगल एड की बात करता है, DPSP, एंड सेक्शन 304 CRPC ये प्रावधान करता है कि अगर न्यायालय को, अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये क्यूज किसी लीगल प्रैक्टिशनर या वकील के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह का नहीं है कि वो किसी वकील को बियर कर सके, देन वो लीगल एड के लिए रिकमेंडेशन करेगा या सरकार के खर्चे पर उसे एक वकील उपलब्ध कराएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है राइट टू बी एग्जामिन बाय ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। यहां पर क्या है, CRPC सेक्शन 54 ये बोलता है कि उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसको अपने को एग्जामिन कराने का राइट है। तो ये कुछ राइट्स है जो मैंने अभी बताया आपको, कुछ और राइट्स हैं जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, दैट्स ऑल।